ये 2.9 मिलियन यूएसडी की फोटो बिकी है। खैर एक मिनट, अभी इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ और अभी इसका ओनर बन जाऊंगा। क्या मतलब ये ऐसे वर्क नहीं करता है? क्या मतलब मैं इसका ओनर नहीं बन सकता? खैर ये तो वही बात हुई ना कि फेसबुक ने ऐसे ही $1 बिलियन स्पेंड कर दिए इंस्टाग्राम को यहाँ पर बाय करने के लिए, जबकि वो तो यहाँ पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टॉल कर सकते थे। खैर अगर आपके मन में ऐसे ही सवाल है कि NFT क्या है, कैसे वर्क करती है और NFT कैसे डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी से, तो डोंट वरी, अगले कुछ मिनट्स में परफेक्ट वेंसडे के 3rd एपिसोड में हम लोग बात करेंगे NFT के बारे में ही। खैर ये जो वीडियो है ये इन डेप्थ में वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर इन डेप्थ में वीडियो होगी तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। सो डोंट वरी, यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही बात करी है, कोई फालतू की एग्जांपल्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। खैर वीडियो जो है इंटरकनेक्टेड है, सभी पार्ट्स जो है यहाँ पर कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी देन हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। यार वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर NFT है क्या। खैर आप लोगों को आज तक तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि NFT की जो फुल फॉर्म है वो है नॉन फंजिबल टोकन। खैर कुछ ऐसा जो कि रिप्लेसेबल ना हो, जैसे कि आप अपनी वर्क प्लेस पे, खैर आप तो यहाँ पर रिप्लेसेबल है, आपकी यहाँ पर एग्जांपल देनी सही नहीं रहेगी क्योंकि कंपनी आपको इजीली यहाँ पर रिप्लेस कर देगी। खैर ऐसा टोकन जो कि रिप्लेसेबल नहीं है, जो कि डिजिटली अवेलेबल है और जो कि यूनिक है, उसको आप यहाँ पर NFT बोल सकते हैं। खैर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे कि जैक डोर्सी जो कि फॉर्मर CEO थे ट्विटर के, तो उन्होंने अपनी सबसे पहली ट्वीट जो है उसको यहाँ पर डिजिटली लेकर गए, खैर वो तो ऑलरेडी डिजिटली होती है, उसको यहाँ पर NFT में कन्वर्ट करा, उन्होंने उसको $2.9 मिलियन में सेल कर दिया, ताकि जो अपनी फर्स्ट ट्वीट है उसकी जो ओनरशिप है किसी और को यहाँ पर ट्रांसफर करी जा सके। खैर कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप डिजिटली लेकर जा सकते हैं उसको आप यहाँ पर NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर NFT जो होती है वो एक दूसरे से यहाँ पर डिफरेंट होती है, कोई भी NFT यहाँ पर आपस में मैच नहीं करेगी। यहाँ पर आप उसको मान सकते हैं कि यहाँ पर एक NFT एक कोड है जो कि दूसरे कोड से मैच नहीं होगा। जैसे कि अभी अगर आप लोग यहाँ पर किसी को पेमेंट कर रहे हैं UPI के थ्रू, अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं देन उसकी ना एक ट्रांजेक्शन ID होती है, अभी वो ट्रांजेक्शन जो ID होती है वो किसी दूसरी ट्रांजेक्शन ID के साथ में मैच नहीं करेगी, किसी के भी पर्सन के साथ में वो मैच नहीं करेगी। तो जैसे वो चीज़ यहाँ पर यूनिक होती है वैसे ही यहाँ पर NFT यूनिक होती है बाकी NFTs के थ्रू। अभी अगर देखा जाए कोई भी डिजिटल एसेट जिसको, जैसे कि यहाँ पर इमेज, वीडियो, जिफ या फिर ट्वीट, आप इन सभी चीज़ों को जो भी डिजिटली अवेलेबल हो सकते हैं उनको यहाँ पर आप NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दी थी ना कि मैं एक पर्टिकुलर फोटो को यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ देन मैं उसका ओनर बन जाऊँगा। खैर यहाँ पर फोटो तो आप यहाँ पर ताजमहल की भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्या आप उसके ओनर बन गए? नहीं ना, ये चीज़ ऐसे ही वर्क करती है। खैर सिमिलरली जिसकी NFT होती है वही उसका लेजिटमेट यहाँ पर ओनर होता है। अभी जो NFT है वो बेस्ड होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। अभी ब्लॉकचेन का नाम सुनकर आपके मन में एक चीज जरूर आई होगी जो कि होगी क्रिप्टो करेंसी। खैर क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पर ब्लॉकचेन पर बेस्ड होती है और NFT भी सिमिलरली यहाँ पर ब्लॉकचेन पर बेस्ड होती है। खैर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर NFT या फिर क्रिप्टो करेंसी को ही यहाँ पर ब्लॉकचेन पर रखा जा सकता है या फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। कोई भी चीज़ जो कि डिजिटली अवेलेबल है आप उसका जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन पर मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है सिर्फ NFT या फिर क्रिप्टो करेंसी पर ही लिमिटेड है, कोई भी चीज़ जो कि डिजिटली अवेलेबल हो सकती है आप उसको ब्लॉकचेन पर रख सकते हैं। अभी आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि NFT या फिर क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि ब्लॉकचेन पर रह सकती है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर मेन बात पर आएँ कि NFT और क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देन यहाँ पर बता दूँ कि जो NFT है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसकी कोई रेप्लिका नहीं हो सकती है, NFT यहाँ पर एक ही रहेगी। हाँ हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग फोटो क्लिक कर लें या फिर कुछ भी कर लें, आप कहेंगे कि ये तो मैं ओनर हो गया। खैर ऐसा नहीं होगा, मैं ये चीज़ जो है ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि NFT जो होती है उसका जो ओनर रहता है उसका जो कोड रहता है वो एक ही रहता है जो कि बाकी चीज़ों के साथ भी मैच नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन के बारे में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप खुद देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन होता है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं या फिर जो है इथेरियम होते हैं वो सेम होते हैं और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो ये चीज़ जो है NFT के साथ में टोटली ऑपोजिट है। तो NFT यहाँ पर रेप्लिका नहीं हो सकती है उसकी कोई, या फिर उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती है, उसकी ओरिजिनल एक ही कॉपी रहेगी, उसी को यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है
और उसी का एक ही यहाँ पर ओनर हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी ओनर हो सकती है। तो ये है इन दोनों में मेनली डिफरेंस। खैर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स यहाँ पर अच्छा रहता है देन इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे NFTs को यहाँ पर बाय या फिर सेल कर सकते हैं और बाकी की चीजें जो कि इस वीडियो में नहीं कवर हुई हैं वो बाकी की जो है उस वीडियो में कवर करेंगे। खैर आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेरी दिमाग खपाई हुई है कितनी बार मैंने टेक्स ले लिए। खैर बिहाइंड द सीन्स तो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर सकता, फिर कभी अगर पॉसिबल हुआ देन मैं बिहाइंड द सीन्स जरूर पोस्ट करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिर मुझे कितने यहाँ पर टेक लेने पड़े आप लोगों को NFT यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई चीज़ जो है यहाँ पर गलत एक्सप्लेन कर दी है देन वो जो है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और वो कमेंट यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी उस चीज़ के बारे में पता चल सके। खैर ये थी कुछ बातें NFT के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।